हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इसेंट्रिक ट्रांसवर शीयर लोड। अगर इसेंट्रिक लोडिंग हो रही होगी और शीयर लोडिंग होगी, साथ में इसेंट्रिक होगी, देन क्या क्या उसके इफेक्ट होंगे, कौन कौन सी स्ट्रेसेस इंड्यूज होगी, उसके बारे में बात करेंगे। शीयर फोर्स कैसा होगा, उसका बेंडिंग मूवमेंट कैसा होगा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पर हम लोग ने एक एग्जाम्पल ले लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसेंट्रिक TSL यहाँ पे हमने मेंशन किया होगा। इसमें ये हमने मान लिया कि एक ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर है, एक जिसमें एक रॉड लगा हुआ है, एक लीवर है। तो अब लीवर के एंड पे एक लोड लग रहा है, दैट इज़ P, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम मान लें कि एक लोड P1 लीवर के इस इनिशियल एंड पे लगा दिया P1, उसके अपोजिट P2 इस तरह से लगाया कि P1 एंड P2 क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, अब इस ये लोड क्या करे, अब P एंड P2 मिलके एक टॉर्क क्रिएट करेगा, दैट इज ट्विस्टिंग मोमेंट, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ। अगर इन दोनों के बीच में मीन्स लीवर की लेंथ E है, तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी P इंटू ई हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट P हो जाएगा फॉर रॉड। ये रॉड में मीन्स ये रॉड में एक ट्विस्टिंग मोमेंट क्रिएट करेगा, और P इंटू ई लीवर के लिए यही P इंटू ई लीवर के लिए क्या करेगा, क्योंकि लीवर पे इसकी ये एक बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस कर रहा है, तो लीवर पे ये एक बेंडिंग मूवमेंट लगाएगा, दैट इज P इंटू ई। हेयर वी हैव कंसिडर P1 इक्वल टू P, दैट इज हॉर्जेंटल TSL विल कॉज शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। मीन्स अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे शीयर फोर्स भी लगेगा, साथ में बेंडिंग मूवमेंट भी लगेगा। शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट दोनों हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे शीयर फोर्स कितना लगेगा, जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ टी बी पॉइंट पे टॉर्क जो लगा P इंटू ई, उसके काउंटर क्लॉक उसका जो काउंटर क्लॉक वाइज होगा मीन्स उसके अपोजिट लगेगा। ये हमने A पे दिखाया हुआ, उसके अपोजिट में ये ट्विस्टिंग मूवमेंट दिखाया हुआ। अब ये है A पे बेंडिंग मूवमेंट भी आएगा, MA P इंटू L, मीन्स लोड यहाँ पे जो अभी ये वाला लोड बचा, ये क्या करेगा, P इंटू L, इतना यहाँ पे ये बेंडिंग मूवमेंट इंड्यूस करेगा ये। नाउ अब यहाँ पे हम कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं। 3 पॉइंट्स वी कैन नोट हियर। इसेंट्रिक TSL कॉजेस, फर्स्ट थिंग कॉन्स्टेंट शीयर फोर्स, शीयर फोर्स की वैल्यू जो होती है कॉन्स्टेंट होती है। सेकेंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएबल बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो वेरिएबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेंडिंग मूवमेंट क्या हो रहा है, P इंटू L है बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू TSL P1, ड्यू टू TSL P1 जो यहाँ पे हमने कंसीडर किया हो, उसकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट वेरिएबल हो जा रहा है। P1 ये दिस वन P1 एंड कॉन्स्टेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट दैट इज P इंटू E ड्यू टू P एंड P2, ये कॉन्स्टेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग मूवमेंट यहाँ पे जो होगा कॉन्स्टेंट होगा। अब यहाँ पे एक हमने इसको टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कब क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट डाउन। प्योर एक्सियल होगा, प्योर एक्सियल लोडिंग होगी तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट एक्सियल लोड होगा, शीयर फोर्स जीरो होगा, बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट जीरो होगा। इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग होगी तो उसमें क्या क्या होगी, कॉन्स्टेंट लोड होगा, एक्सियल लोड होगा, कॉन्स्टेंट होगा, शीयर फोर्स जीरो होगा, कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट होगा एंड ट्विस्टिंग मोमेंट जीरो होगा। और ट्रांसवर्स शीयर लोड होगा तो AL जीरो होगा, एक्सियल लोड जीरो होगा, शीयर फोर्स कांस्टेंट रहेगा, बेंडिंग मूवमेंट वेरिएबल रहेगा एंड टॉर्क और ट्विस्टिंग मूवमेंट जीरो होगा। अब इसेंट्रिक TSL होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन इसेंट्रिक TSL होगा
होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी, आपका एक्सियल जीरो होगा, एक्सियल लोड कोई नहीं होगा उस पर, सीयर फोर्स जो होगा कॉन्स्टेंट आएगा, सीयर फोर्स कॉन्स्टेंट आएगा, इट मीन्स सीयर जब हम ऐसे सीयर फोर्स डाइग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। और यहाँ पे वेंडिंग मोमेंट आपका क्या आएगा, वेरिएबल आएगा, पी इंटू लेंथ, लेंथ का फंक्शन है, मीन्स वेरी करेगा, लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी बेंडिंग मोमेंट आपका इंक्रीजिंग होगा एंड लेंथ आपकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब सेकंड थिंग दैट इज ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ पे कांस्टेंट होता है, पी इंटू ई, ई इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड है यहाँ पे, क्योंकि अभी फिगर में हमने देखा ई की वैल्यू फिक्स्ड थी तो वो कांस्टेंट रहेगा, ट्विस्टिंग मोमेंट जो भी आएगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे वेंडिंग मोमेंट वेरिएबल, जब इसेंट्रिक लोडिंग होगी, इसेंट्रिक टीएसएल होगा, इट मीन्स उसकी वेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, बट ट्विस्टिंग मोमेंट रहेगा उसका ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये था इसेंट्रिक टीएसएल ट्रांसवर्स लोडिंग। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और यहाँ पे अगर प्योर एक्सियल लोडिंग होगी, प्योर बेंडिंग होगा, तो आपका एल जीरो होगा, एक्सियल लोड जीरो होगा, सीयर फोर्स जीरो होगा, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट जीरो होगी, मींस प्योर बेंडिंग में रेस्ट ऑफ थिंग विल बी जीरो एक्सेप्ट बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट भी होगा बट वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द लेंथ। और प्योर टॉर्जन के केस में ऑल थिंग मीन्स ए एल एस एफ बी एम इज जीरो, बट ट्विस्टिंग मोमेंट होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द लेंथ। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, तो अगर एक्सियल लोडिंग होगी उसकी वजह से स्ट्रेस जो आएगी तो उसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी, पी अपॉन ए, लोड अपॉन एरिया। सेकेंड, बेंडिंग स्ट्रेस जो आएगी, बेंडिंग मोमेंट अपॉन आपका पोलर मॉडुलस। देन टॉर्जनल शियर स्ट्रेस ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से आएगी, एसेंट्रिक लोडिंग की वजह से आएगी, एसेंट्रिक टीएसएल की वजह से आएगी, टी अपॉन जेड पी। और ड्यू टू शियर फोर्स ट्रांसवर्स शियर लोड, टीएसएल की वजह से जो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, टाउ एस इक्वल टू पी अपॉन ए। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एज यू कैन डू, थैंक यू वेरी मच।